नमस्कार, आप देख रहे हैं WN की न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। आप देख रहे हैं ताजा कोरोना अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज कहां दर्ज हुए कितने मामले। कोरोना पर PMO को NIGM ने सौंपी रिपोर्ट। तीसरी लहर में बच्चों पर कहर का अंदेशा। ब्रिटेन में फिर बढ़े कोरोना के मामले। 24 घंटे में आए 32,253 केस, 49 लोगों की मौत। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट। बीते दिन आए 25,072 केस, 389 लोगों ने तोड़ा दम। केरल में कोरोना वायरस के 10,402 नए मामले, 66 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,141 नए मामले दर्ज, 145 मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 1,085 नए मामले, 8 लोगों की मौत। दिल्ली में बीते दिन आए कोरोना के 24 नए केस, 0.04 तक पहुंची पॉजिटिविटी रेट। दिल्ली में लगातार घट रहा टीकाकरण। रविवार को केवल 2,500 लोगों ने ली वैक्सीन। उत्तराखंड में रविवार को 12 नए संक्रमित मिले, 16 मरीज ठीक होकर गए घर। नीति आयोग की चेतावनी, सितंबर में रोजाना आ सकते हैं 4,00,000 कोरोना केस। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका, हरियाणा में 2 हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन। तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, 6 सितंबर तक बढ़ाया गया कोविड प्रतिबंध। ऐसी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए WNK के साथ। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए।